हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ रोनित, आप देख रहे हैं रोनित गेमिंग। चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कि हम पबजी में रिकॉइल कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। भाई पबजी में रिकॉइल कंट्रोल करना बहुत आसान है। कई बंदों को मैंने देखो भाई रिकॉइल ही नहीं कंट्रोल कर पाते, बिल्कुल टट्टी स्प्रे देते हैं। तो भाई आपने क्या करना, प्रैक्टिस मोड खोलना है। वहाँ जाके आपने सबसे महंगी वाली बंदूक लेनी है, जैसे M249, और उस पर महंगा स्कोप लगा लेना जैसे 4x 6x, जिससे आप मतलब बिल्कुल रिकॉइल कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसी बंदूक लेना और भाई ये लेके फिर आपने जाना प्रैक्टिस मोड में। फिर वहाँ जाके आपने हर एक स्कोप से, मतलब जो आप स्कोप से रिकॉइल कंट्रोल नहीं कर पाते उनको आप मतलब यूज़ करो, और मतलब वहाँ पे जाके अपनी सेंस उनको रिकॉइल कंट्रोल करने की कोशिश करो, और देखो आप कितना रिकॉइल कंट्रोल कर पाए। फिर उसके बाद अपनी सेंसिटिविटी बढ़ा दो, हाई पे कर दो, बिल्कुल हाई से भी ऊपर कर दो। भाई हाई में भी बहुत कम रिकॉइल कंट्रोल हो पाता। फिर उसके बाद ये देखो, मैं जैसे ये दे रहा हूँ, ये आपने क्या करना है, हेड के लिए कोशिश करनी सिर्फ। इससे क्या होगा, बंदे जल्दी मरेंगे और आप उन्हें, ये जैसे आप दूर के लोगों को मारने की कोशिश कर रहा भाई, ये लेट के मारने की कोशिश करो, हेड पे मारने की कोशिश करो। M249 से 6x का स्प्रे दो, उससे क्या होगा, हैवी स्प्रे मतलब हैवी जो गने होती हैं जिनका रिकॉइल बहुत ज़्यादा होता है उनका आप स्प्रे दे पाओगे बहुत आसानी से। भाई इससे बहुत मदद मिलेगी। और आप एक और चीज़ कर सकते हो, अपनी सेंसिटिविटी बढ़ा दो और ख़ासकर ADS बढ़ा लो, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। भाई मैं और कुछ नहीं बता सकता, प्रैक्टिस करो और फिर उसके बाद इसे TDM में यूज़ करो कि आप कितना रिकॉइल कंट्रोल कर पा रहे हो। फिर उसके बाद अगर नहीं कर पा रहे वापस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही होगा भाई। फिर उसके बाद भाई बहुत मदद मिलेगी आपको, ऐसे ही करते रहो। ये देखो जैसे मैं कर रहा हूँ, हेड पर मारने की कोशिश करो, इससे बहुत मदद मिलेगी आपको। और अगर आप बिल्कुल मतलब मज़े के लिए खेलते हो तो बहुत बढ़िया भाई, मज़े के लिए खेलते हो तो इससे मतलब मज़े के लिए खेलते हो तो जाओ भाई रश मार दो तवा लेके, या फिर बम फेंक दो, इससे बहुत मतलब मज़े के लिए खेलो यार। मतलब सीरियस मत लो बिल्कुल इस गेम को, कि भाई आप कोई ये करना वो करना, मतलब अपनी ज़िंदगी मत समझो इसे भाई, इतना भी वो मत करो ना, मज़े के लिए खेलो। वैसे कई लोग होते हैं भाई, जैसे बहुत सारे लोग हैं वो इस गेम को, जैसे ये बंदा ये प्रो बनने की कोशिश कर रहा, मतलब अच्छा खेलने की कोशिश कर रहा है कि मैं बन जाऊंगा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा ये वो। भाई नहीं होएगा भाई, बहुत मतलब अपना जैसे आपका यूट्यूब चैनल है मेरी तरह, या फिर जो भी है अलग तरीके से जो भी कर से, मतलब बाहर आप जाना चाहते हो पबजी मोबाइल से राउंड खेलना चाहते हो भाई, आपको फिर तो इसको सीरियस थोड़ा लेना पड़ेगा। और भाई वैसे इतना भी सीरियस जाने की कोशिश मत करो, ये गेम है भाई, आराम से खेलो ठीक है भाई। तो ADS बढ़ा दो, M249 पे 6x लगाओ खेलो, DP पे 6x लगाओ खेलो भाई, यही हो सकता है और कुछ नहीं कर सकते। और TDM में रिकॉइल कंट्रोल करने की ज़रूर कोशिश करना। और भाई अगर आपको ये लगता है कि आप M249 और DP का रिकॉइल कंट्रोल बहुत आसानी से कर पाते हो, तो भाई जो आपको बंदूक खतरनाक लगती है जैसे M762 है, उसका भी रिकॉइल काफ़ी है, तो कई लोग उसका नहीं कर पाते भाई, उसका रिकॉइल कंट्रोल करने की कोशिश करो। मतलब जो जिससे आपका रिकॉइल कंट्रोल नहीं होता उस बंदूक को लेके, उसका रिकॉइल कंट्रोल करने की कोशिश करो और ADS बढ़ाओ भाई, बहुत मदद मिलेगी। मैं यही कर सकता हूँ, मैं और कुछ नहीं बता सकता। तो भाई और आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी आपने करना है। तो और अगली वीडियो कल जल्दी आएगी, तो भाई वो काफ़ी अच्छी होने वाली है, उसको देखना मत भूलना। तो भाई तब तक के लिए बाय बाय। हाँ हो सकता है कि थोड़ा डिले हो जाए, क्योंकि भाई मेरे अभी पेपर चल रहे हैं, मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के वीडियो बना पा रहा हूँ।
तो भाई तब तक के लिए बाय बाय, दो बार बोल चुका हूँ, तो कल मिलते हैं।